अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक कलरफुल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। इस लुक को मैंने डू कलर के आईशैडो पैलेट और ब्रशेस के साथ क्रिएट किया है। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है अपने डिस्काउंट कोड के साथ। सो इनका मैं जो ब्रश है, आईब्रो ब्रश मैंने लिया है और उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आईब्रो का जो कलर है मैंने लिया है एनेस्थेसिया बेवरली हिल्स का और ये मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। इस ब्रश के साथ अच्छे से हम लोग अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। उसके बाद मैं रिमल लंदन का लिक्विड कंसीलर लिया है और डू कलर का मैंने कंसीलर ब्रश लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो कंसीलर ब्रश है वो फ्लैट है। अमूमन जो ब्रशेज़ होते हैं कंसीलर ब्रशेज वो फ्लैट ही होते हैं और आई बेस के लिए फ्लैट ब्रशेस ही यूज़ करने चाहिए। उससे ये है कि आई बेस जो है वो बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से हम लोग जो है जो कंसीलर है उसको अपनी आईज़ के ऊपर लगा लेंगे और फिर इस तरीके से डैप कर करके अच्छे से अपनी आई बेस को हम लोग सेट कर लेंगे। कंसीलर का शेड मैंने लिया है फेयर और अब आईब्रोज़ को ऊपर से भी नीट कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने इनका 05 क्रीज ब्रश लिया है और इन्हीं के आई शेडो पैलेट में से मैंने ये डस्टी ऑरेंज कलर लिया है। रस्ट शेड है ये और इसको मैं अपनी क्रीज एरिया पे अप्लाई कर दूंगी। डैप कर करके मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसकी जो ब्लेंडिंग है वो भी होती जाए और थोड़ा थोड़ा कलर लेकर हम इसको डार्क करेंगे जितना भी हमने इसको डार्क करना है। नेक्स्ट इनका मैं ब्रश ले रही हूँ 09 और ये मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश है और इसमें मैंने डार्क पर्पल आई शेडो लिया है और अपनी क्रीज एरिया में इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। डैप कर करके अप्लाई कर रही हूँ। डार्क कलर है इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको लेंगे और साथ साथ इसको ब्लेंड भी करते जाएंगे ताकि इसकी जो हार्श लाइन है वो ना बने। देखिए इस तरीके से आउटर से मैं इसको डैप कर रही हूँ और फिर सर्कुलर मोशन में भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इसकी जो हार्श लाइन है वो ख़त्म हो जाए और जो कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप लोग बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में भी आप लोग इसको ब्लेंड कर सकते हैं। सो थोड़ा थोड़ा कलर लेकर मैंने इस कलर को डार्क कर लिया है। अब क्रीज ब्रश के साथ इसको मैं अगेन ब्लेंड कर दूंगी ताकि इसकी अच्छी सी फिनिशिंग हो जाए। नेक्स्ट मैं अपनी कट क्रीज कर रही हूँ और लिक्विड कंसीलर मैंने लिया है फ्लैट ब्रश के साथ। अपनी मैं फुल कट क्रीज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ब्रश ले रही हूँ नंबर 10 आई शेडो ब्रश है ये फ्लैट आई शेडो ब्रश और इसमें से लाइम ग्रीन कलर जो है ये मैं ले रही हूँ और इसको मैं डैप कर करके अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी। हाफ आईलिड तक हम इस कलर को लेकर जाएंगे। जहाँ से हम लोगों ने कट क्रीज किया है वहाँ से बहुत एहतियात से जो है डैप कर करके इस कलर को अप्लाई करना है कि जो हमारी कट क्रीज है वो ब्लेंड ना हो जाए। नेक्स्ट मैं ब्रश ले रही हूँ नंबर 11, ये एंगल ब्रश है और आई शेडो ब्रश है। इसमें मैंने ब्लू कलर लिया है और अपने आउटर कॉर्नर में इस कलर को मैं अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा कलर लेकर इसको जो है हम लोग डार्क करेंगे और अगेन जहाँ से कट क्रीज है वहाँ पे हम लोग बहुत एहतियात के साथ इसको इस कलर को प्रेस कर करके लगाएंगे और लाइट सा इसको हम लोग ग्रीन में भी जो लाइम ग्रीन कलर है उसमें हम लोग ब्लेंड कर देंगे। उसके ऊपर मैंने जो है डार्क पर्पल जो शेड है वो भी मैंने आउटर कॉर्नर में इस ब्लू के ऊपर ही लगा दिया है। नेक्स्ट मैंने आईलाइनर अप्लाई कर दिया है और नेक्स्ट मैं हेवन बीन ब्यूटी की आईलैशेस ले रही हूँ और अपने आउटर एजेस को मैंने वाइप के साथ क्लीन कर लिया है।
नेक्स्ट मैंने क्रायलॉन की स्टिक ली है चाइनीज़, इसको मैं क्रैकर के लिए यूज़ करूँगी। और फाउंडेशन मैंने ली है एल्फ की, शेड है बफ, और इनका ये फाउंडेशन ब्रश है, इसके साथ मैं फाउंडेशन अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ लॉरा मर्सियर का, और डू कलर का मैंने पाउडर ब्रश लिया है, उसके साथ मैं अपनी बेस को सेट कर दूंगी। डैप कर करके मैं अच्छे से अपनी बेस को सेट कर रही हूँ। वाटर लाइन में मैंने मैक की आई पेंसिल लगाई है प्राइमरी येलो, उसके बाद मैं शेडर ब्रश ले रही हूँ और सेम मैंने लाइम ग्रीन कलर लिया है, और अपने अंडर आइज में मैं इसको अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने जो पर्पल शेड है और जो ब्लू शेड है उनको मैंने ब्लेंड कर दिया है। डू कलर के पैलेट में से ही मैं कंटूर कलर ले रही हूँ, और इससे मैं अपनी नोज़ को भी कंटूर कर दूँगी और अपने फेस को भी कंटूर कर दूँगी। नेक्स्ट मैंने ब्लश लिया है फार्मेसी का, नेक्स्ट मैंने हाइलाइटर लिया है डू कलर के पैलेट में से, और इसको मैं अपनी नोज ब्रिज पे और अपनी हाइलाइटेड एरिया पे अप्लाई कर दूंगी। सो हियर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी ये कलरफुल लुक जो है वो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को मेरी ये लुक पसंद आई है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं। अगर आप लोग मेरे से ऑनलाइन सर्टिफाइड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने कांटेक्ट लिंक्स जो हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है फॉलो कर सकते हैं और मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you so much guys for watching. Take care. Allah Hafiz.